पठानकोट कई तरह की रहस्यमयी गाथाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। ऐसी ही एक रहस्यमयी गाथा है चटपट बनी मंदिर के इर्द गिर्द फैले 28 एकड़ जंगल की, जो कि रातों रात तैयार हुआ था, जिसके पेड़ पंजाब की जलवायु से बिल्कुल विपरीत हैं। इस जंगल की लकड़ी को कोई भी शख्स अपने घर में इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके परिवार में कुछ न कुछ अनिश्चित जरूर घटता है, और ना ही कोई इस लकड़ी का दातुन करता है। चटपटी बड़ी इन्हों का नाम रखा गया जी, और बहुत ही मनता इन्होंने लकड़ी कोई इतों ले जा नहीं सकता, ना ये कोई दातुन कर सकता, और जो कोई लैके जाएगा तो बहुत कष्ट रब उन्होंने पाता। इस जंगल की लकड़ी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुर्दा जलाने, मंदिर में लंगर तैयार करने और मंदिर में सैकड़ों सालों से जल रहे अखंड धुने को जलाने के लिए किया जाता है। इस जंगल की लकड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जलने के बाद इस लकड़ी का कोयला नहीं बनता, सीधी राख बनती है, जिसे प्रसाद के तौर पर आए हुए श्रद्धालुओं को दिया जाता है। मंदिर में माथा टेकने आए श्रद्धालुओं से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह स्थान बहुत पुराना है, जिसकी बहुत मान्यता है। लोग दूर दूर से यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं जब इसके बारे में जंगलात विभाग के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वृक्ष आसपास कम दिखाई देते हैं, लेकिन लोगों की काफी आस्था होने के कारण यह जंगल बचा हुआ है। मंदिर का इतिहास है नाथ संप्रदाय के नाल जुड़े हुआ है। गुरु गोरखनाथ जी की संप्रदाय जो नाथ संप्रदाय है, उन्हीं में से गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हुए हैं जो कि चटपटनाथ जी। जो चटपटनाथ जी का स्थान है, जो ये चटपट बनी नाम इसलिए बना था, ये एक रात में जो वन इकट्ठा कर दिया था बाबा जी अपनी जो माया से, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र से बनाया है, और ना जाने किस किस प्रकार के यहाँ वृक्ष पौधे लगे हैं, और खास जड़ी बूटियाँ का भी यहाँ विधान मिलता है कई प्रकार की। वो बाबा जी के ऊपर जिन लोगों ने भक्ति करते समय धुने पे भक्ति करते थे, उनके ऊपर सुहागा बैल चढ़ा दिए थे, उनके जब जमीन पे घुटने कोनियाँ जमीन पे धसी थी, और वहाँ से तीन कुंड और चौथी जगह फुहारा निकल चला था, वो आज ही मौजूद है, जो निरंतर ये कुंड चलते रहते हैं। खास महानता जी इन कुंडों का नाम है ग्रंथों में, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड। इन कुंडों में से स्नान करने से बाबा का जो आशीर्वाद भी है, यहाँ खास फोड़ा फिंसी स्किन प्रॉब्लम और कई कुष्ठ रोग जहाँ दूर होते हैं, खास विशेष महानता जहाँ जो है कि बाबा जी के आशीर्वाद से जहाँ किसी माई बहन के किसी के बच्चा नहीं होता है, संतान नहीं होती है, जहाँ पांच आत्मा स्नान करने से जहाँ संतान की प्राप्ति होती है, ये प्रमाण है इसका, और नहीं कोई मानता और करके भी देख सकता है, इसका प्रमाण मिलता है। और ये मानता ये है कि बाबा जी ने जब जंगल तैयार कर दिया था, उन लोगों को ये श्राप दे दिया था कि इस जंगल की लकड़ मत छेड़ना, अगर कोई छेड़ेगा उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अगर वो लकड़ काट के खेती बाड़ी भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर डर के मारे जब लकड़ को हाथ लगाया। इस लकड़ की खास चीज़ है कि दातन तक भी कोई घर में नहीं ले जा सकता, और ये लकड़ खासकर भी धुने पर काम आती है, और इसका प्रदान भी दिया जो शमशान भूमि केवल काम आएगी, मुर्दे के ऊपर से लकड़ पाई जा सकती है, जे ऐसा जे मानता है। जिन्ना भी जंगल है इतने जिन्हें जंगली बूटे है ये जंगलों में ही मिलते, इधर आम कितने नहीं मिलते, तो हिस्ट्री यदि इन्नी वधिया भी सारा कुछ भी एडा भी कि चर्चा ही नहीं हैगी, कि जिन्ना भी मन जाए इतने मूँह मंगिया मुरादा जी पूरी होंगे। ये दरख्त है लागे छागे मिलते हैं या सिर्फ पहाड़ी इलाके? ये सिर्फ भाई पहाड़ी इलाके ही मिलते हैं, तो यह सारा बन जिन्ना भी जंगल है सारा एक रात के सारा तैयार होया, तो बड़ी श्रद्धा नाल मत्था टेकन आते सारे, अं भी अब मत्था टेकने का काम मुकदा सा, अज अं मत्था टेकन आए हैं। देखिए चटपट डबरनी एक प्राइवेट फॉरेस्ट है, मैं भी लास्ट ईयर गया था वहाँ पे, तो वहाँ की जो रिलीजियस मान्यता ये है कि जंगल की कोई काटेगा तो उसको मिसहैपनिंग हो जाएगी, इस करके लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारे जस्ट जंगल के एडज्वाइनिंग है, वहाँ पे कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो काफ़ी इंडेंजर्ड है, जो हमारे पंजाब में काफ़ी कम हो गई हैं या कहीं कहीं ख़त्म हो गई हैं, तो जो उसका बचने का वहाँ रीज़न ये है कि लोग मतलब इलिसिट फेलिंग और चाहे लोग उसको बचा के रखते हैं, कोई काटने पे नहीं जाते उस तरफ, लेकिन फिर भी हम अभी स्टडी करवा रहे हैं, हम अपने स्टाफ से करके देख लेते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज हैं और जिसको हम अपने पंजाब के और भी जगह पर हम अपने जंगलों में उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। सिटी होम न्यूज़ के लिए पठानकोट से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।